कल के दिन दो बड़ी सौगातें मिली जम्मू शहर की, अगर बात जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, पहला प्रॉपर्टी टैक्स था, दूसरा एक ऑर्डर बड़ा फ्लैश हो रहा था जिसमें ये कहा गया कि मिनिमम वेजेस जो हैं उसको तो चलो बढ़ाना दूर की बात था, लेकिन वेजेस को एनहेंस किया गया, डेली वेजेस के जो लेबर वर्कर की बात करें, जिसके बाद हमने शाम को पीएचई यूनाइटेड फ्रंट की बात कर उनके मेंबर अजिंदर सिंह ताह से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आज प्रेस वार्ता करेंगे। यूनाइटेड फ्रंट मेंबर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि 16 मार्च से मेरा पूरा फ्रंट 72 घंटे के लिए काम छोड़ हड़ताल पर जा रहा है। आपके माध्यम से सभी डेली वेजरों से ये आह्वान है कि 16 मार्च सुबह 10 बजे वो सारे बीसी रोड चीफ ऑफिस में इकट्ठे होंगे, लगातार 3 दिन 72 घंटे के लिए ये कार्यक्रम है हमारा, डे नाइट प्रोटेस्ट वो प्रदर्शन हमारा चलेगा। इसके साथ प्रशासन को सीधी और स्पष्ट चेतावनी, हमारी जेन्युइन डिमांडें जो है उनको पूरा किया जाए, वरना ये जो 72 घंटे काम छोड़ हड़ताल है इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। प्रशासन हमारे साथ लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और कमेटियां बना के हमें टोटल टाइम निकालने की कोशिश की जा रही है। इसी डिपार्टमेंट में सेवा देते हुए लगातार मेरे कई साथी खाली हाथ रिटायर हो गए और कई साथी सुसाइड भी कर गए। अब ये बदुआ मजदूरी, अब ये शोषण बर्दाश्त नहीं। 16 मार्च से एलजी प्रशासन को सीधा और कड़ा मैसेज, 72 घंटे के लिए काम छोड़ स्ट्राइक पर। होशियार बढ़ाया गया उसको लेकर ये स्ट्राइक की जा रही है? बिल्कुल नहीं, हम लोग रेगुलेशन पॉलिसी डिमांड के लिए लगातार 9 महीने से स्ट्राइक पर हैं। उसी के मद्देनजर जितनी भी हमारी इनके साथ टेबल टॉक हुई, प्रशासन के साथ सभी टेबल टॉक फेक रही, हमें गुमराह करने की कोशिश की गई, इसीलिए अब हमारा बर्दाश्त का मादा खत्म होता है। इसीलिए 16 मार्च से हमारी वो तीनों डिमांड के लिए ये स्ट्राइक रहेगी। 25 MLA आपके लिए कमेटी बनाकर बैठे थे, क्या लग रहा है कि 25 के 25? बिल्कुल नहीं, वो सारे के सारे टोटल अपना टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर लगातार इसी डिपार्टमेंट को 90% डेली वेजर जो चलाता आ रहा है, अपने हक के लिए हर समय अपनी आवाज को बुलंद करता आ रहा है, मगर जब हमें लगा कि प्रशासन हमें टोटल बेवकूफ बना रहा है, इसीलिए ये 72 घंटे के लिए 16 मार्च से काम छोड़ हड़ताल पर हम लोग जा रहे हैं। और इसी से प्रशासन की वजह से जितनी भी आम जनता को परेशानी रहेगी उसकी कसूर बात सारा एलजी प्रशासन, जनता के साथ साथ राज्यपाल का भी पानी देखा जाएगा। बिल्कुल, हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हैं, पानी के साथ साथ राज्यपाल जी का गेट भी बंद किया जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है। हमें लगातार 28 साल हो गए इस डिपार्टमेंट को सेवा देते हुए और जितनी भी सरकारें आई उन सब सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया, मैनिफेस्टो के नाम पे हमें गुमराह करने की कोशिश की गई, किसी ने हमारी पीड़ा को समझा नहीं। जो जुल्म लगातार 25 साल से 30 साल से होता आ रहा है, अब इस जुल्म की इंतहा हो गई है, इसीलिए हमारा फ्रंट फिर 16 मार्च से 72 घंटे काम छोड़ पे जा रहा है। हमने देखा 28 जनवरी को जो आपका प्रोटेस्ट हुआ जीवन चौक में ही जो है वो आपको सीमित कर दिया गया था और लाठीचार्ज जो है वो किया गया था, क्या लगता है कि उपराज्यपाल तक प्रशासन जो है वो आपको पहुंचने देगा आपकी आपकी आवाज लेकर वहां तक? 22,000 डेली वेजर है, जिस दिन ये सारा एक मंच पे इकट्ठा हो गया तो एलजी प्रशासन का गेट क्या, एलजी प्रशासन के अंदर तक भी हम बैठ सकते हैं, मगर यही उम्मीद लेके आज हम फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वो सारा डेली वेजर अपने बच्चों के हक के लिए एक बार 16 मार्च से फिर बाहर निकलेगा, तो सारे ऑप्शन हमारे पास हैं, हम कोई जायज इलीगल डिमांड लेके नहीं चल रहे, हमने इस डिपार्टमेंट को सेवा दी है अपने हक के लिए। प्रेस वार्ता आपने सुन ली है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज पीएचई यूनाइटेड फ्रंट की अगर बात करें तो उनके मेंबर्स ने एक बड़ा फैसला किया है, ये फैसला है कि 16 मार्च जो आने वाली है उस दिन वो काम छोड़ हड़ताल पर जाने वाले हैं पूरे 72 घंटों के लिए। ये 72 घंटे उनकी जिंदगी के लिए काफी अहम है, ये जंग जो है निर्णायक मोड़ पर है और अब पूरा इंतजाम कर लिया उन्होंने कि अब जो है आर या पार की लड़ाई में हम जीत कर रहेंगे। सरकार ने जो 11 रुपए बढ़ाए हैं उनकी तनख्वाह में, ये बद्दा मजाक उनके साथ किया गया है, वो जो लगातार जद्दोजहद कर रहे थे कि ट्रांसफर पॉलिसी और मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको वेजेस मिलने चाहिए वो सरकार ने नहीं किया, बल्कि
311 रुपए यानी कि 300 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, उसे बढ़ाकर 11 रुपए बढ़ा दिए गए, यानी कि 311 रुपए अब उनको दिहाड़ी जो है वो दी जाएगी। तो अब साफ तौर पे ऐलान कर दिया गया है कि आने वाली 16 मार्च को तमाम डेली वेजेस जितने भी जम्मू कश्मीर के हैं उन सबको कहा गया है कि आप बीसी रोड इकट्ठा होंगे चीफ इंजीनियर के ऑफिस के, वहां प्रदर्शन शुरू होगा, सुबह 10 बजे प्रदर्शन शुरू होगा, 72 घंटे तक ये प्रदर्शन चलेगा, उसके बाद रूपरेखा तय होगी कि इस प्रदर्शन को आगे करना है या इस प्रदर्शन को वही कॉल ऑफ कर दिया जाएगा। फिलहाल बड़ी खबर डेली वेजेस जुड़ी हुई थी आपके समक्ष में रख दी है, तो बड़ा ऐलान डेली वेजेस के द्वारा किया गया है वो भी आपके समक्ष रख दिया है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, वीडियो को शेयर करें। डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद। वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिद्रा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय कीजिए।